हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th की पोएट्री सेक्शन के अंतर्गत ओ कैप्टन माय कैप्टन पोयम। यह पोयम वॉल्ट विटमैन द्वारा कंपोज की हुई पोयम है। इसमें कवि ने अमेरिका के गृह युद्ध के पश्चात अब्राहम लिंकन को जब गोली मार दी जाती है तो कवि ने उस पर अपने शोक को व्यक्त किया है, जिसमें अमेरिका के गृह युद्ध को उन्होंने एक जहाज का प्रतीक माना है और उस जहाज के कप्तान के रूप में इन्होंने अब्राहम लिंकन को प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं आगे है क्या। उस जहाज जो वो जहाज है वो अपनी यात्रा समाप्त करके किनारे की ओर लग रहा है, अर्थात वापस लौट आया है। तो आगे देखते हैं पोयम में है क्या, किस प्रकार से कवि ने इसमें उस जहाज का वर्णन किया। आगे कवि कहते हैं, ओ कैप्टन माय कैप्टन अवर फियरफुल ट्रिप इज डन। हे कप्तान, मेरे कप्तान, अवर फियरफुल ट्रिप, हमारी भयानक यात्रा, अर्थात जो गृह युद्ध था, जो छिड़ा हुआ गृह युद्ध था वह समाप्त हो गया। इज डन यानी जो हमारी भयानक यात्रा थी वह समाप्त हो गई। द शिप हैज रेदर्ड एवरी रैक, कि जो जहाज है इस जहाज ने सारे प्रत्येक रेक अर्थात खतरे का सामना किया है। रेदर्ड मीन सामना करना। द शिप हैज रेदर्ड एवरी रेक, कि जहाज ने प्रत्येक खतरे का सामना किया है। द प्राइज वी सॉट इज वॉन, कि वो इनाम, वो जो पुरस्कार जो हम चाहते थे, जिसकी हम खोज में थे। वी सॉट, सीक मीन होता है खोजना, सॉट इधर सीक की थर्ड फॉर्म है। वी सॉट, जो हम खोजते थे, इज वॉन, वो हमने जीत लिया है। जिस पुरस्कार की हम तलाश में थे वह पुरस्कार हमने जीत लिया है। द पोर्ट इज नियर, बंदरगाह करीब है। द बेल्स आई हियर, कि मुझे, मैं घंटियां सुनता हूं, मुझे घंटियां सुनाई दे रही है। द पीपल ऑल एक्जल्टिंग, कि सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं, खुशियां मना रहे, एक्जल्टिंग कर रहे हैं। वाइल, जबकि, फॉलो आईज, कि उनकी उत्सुक आंखें, जो फॉलो आई अर्थात उनकी जो आंखें हैं वो फॉलो कर रही है, निहार रही है, तलाश कर रही है। द स्टीडी नील, उस दृढ़ नील अर्थात जहाज को। द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग, वो जहाज जो ग्रिम है, भयानक है और डेयरिंग, मजबूत है, उसकी तलाश करें, अर्थात वे लोग इस भयानक तथा मजबूत जहाज को देख रहे हैं। बट लेकिन, ओ हर्ट, हे हृदय, हर्ट हृदय, हर्ट हृदय, अब कभी दुखी होकर कहता है, बट ओ हर्ट, हर्ट हर्ट हृदय, हृदय हृदय, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, कि लाल कलर की वो ब्लीड करती हुई खून की वो बूंदे जो ब्लीड कर रही, झर रही, वेयर, जहां, ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, कि डेक, डेक अर्थात जहाज की छत, कि जहां जहाज की छत पर मेरा कप्तान पड़ा हुआ है, लाइज है, फॉलन कोल्ड एंड डेड, वो पड़ा हुआ है मृत, कोल्ड ठंडा और मृत पड़ा हुआ है मेरा कैप्टन। आगे देखें, ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स, कि कभी कहता है, हे कप्तान मेरे कप्तान, राइज अप, उठो, एंड हियर द बेल्स, और सुनो घंटियों को, बेल्स को सुनो, हियर करो, सुनो, राइज अप, उठो, उठ जाओ, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, कि फॉर यू, आपके लिए द फ्लैग, झंडा, इज फ्लंग, झंडे को आपके लिए फहराया गया है। फॉर यू द बगल ट्रिल्स, आपके लिए बगल, बगल अर्थात तुरही, यह कहें विगुल, ट्रिल्स बजता है, कि आपके लिए विगुल बज रहा है। फॉर यू बुकेट्स एंड रिबंड रेथिस, कि आपके लिए बुकेट्स, फूलों के गुलदस्ते लाए गए हैं, एंड रिबंड रेथिस, और रिबन फीते की बनी हुई मालाएं लाई गई हैं। फॉर यू द सोर्स अ क्राउडिंग, आपके लिए जो ये शोर किनारा है समुद्र का, अ क्राउडिंग, एक भीड़ में तब्दील हो चुका है, अर्थात समुद्र के किनारे ये भीड़ है जो आपके लिए आई हुई है। फॉर यू दे कॉल, ये आपको बुला रहे हैं, फॉर यू, आपके लिए, दे कॉल, वे पुकार रहे हैं। द सोइंग मास, सोइंग मास अर्थात लोगों की भीड़, सोइंग मास, कि लोगों की भीड़ समुद्र पर इकट्ठी है। दियर ईगर फेसेस टर्निंग,
ईगर फेसेस, उत्सुक चेहरे, टर्निंग इधर उधर, टर्न कर रहे, मुड़ रहे। कि कवि कहता है, फॉर यू दे कॉल, वे आपको पुकारे हैं, द स्वेइंग मास, स्वे अर्थात प्रभावित करना, कि जो लहराती हुई भीड़ है, स्वेइंग अर्थात लहराना, लहराती हुई जो भीड़ है, वह भीड़, देयर फेसेस, देयर ईगर फेसेस टर्निंग, कि वे अपने उत्सुक ईगर फेसेस, चेहरों को घुमा रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है जो बड़ी उत्सुकता से उस जहाज को निहार रही है। हियर, यहाँ, कैप्टन, मेरा कप्तान, डियर फादर, हे पिता, अब कभी उस कैप्टन को अर्थात अब्राहम लिंकन को अपने पिता के रूप में प्रस्तुत कर के रूप में पुकार रहा है, कह रहा है, कैप्टन, डियर फादर, हे मेरे पिता, दिस आर्म बीनीथ योर हेड, कि मेरे जो हाथ है मेरा, वो आपके सिरहाने हैं, अर्थात आप, मेरी भुजा आपके सिर के नीचे है, दिस आर्म बीनीथ अर्थात नीचे, योर हेड आपके सिर के नीचे है, इट इज सम ड्रीम, ये एक स्वप्न है, यह कोई स्वप्न है, इट इज सम ड्रीम, क्या कोई ये स्वप्न है, दैट की ऑन द डेक, कि जहाज की छत पर, ऑन द डेक, जहाज की छत पर, यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, कि तुम मरे पड़े हुए, ठंडे और मरे पड़े हुए हो। आगे देखते हैं, माई कैप्टन डज नॉट आंसर, कभी कहता है कि मेरा कप्तान उत्तर नहीं देता, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, हिज लिप्स, उसके जो ओंठ हैं आर पेल, वो पीले पड़ गए हैं, स्टिल और शांत है, माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, कि मेरे पिता मेरे हाथ को महसूस, मेरी भुजा को महसूस नहीं कर रहे, अर्थात उन्हें इसका अनुभव नहीं हो रहा, ही हैज नो पल्स नॉर विल, ना उनमें अब पल्स, नाड़ी भी है, और ना ही नॉर विल, ना ही कोई इच्छा शक्ति बची, यानी ना उनकी कोई इच्छा है, अर्थात अब जो कप्तान है वो मर चुके हैं, तो ना तो वो फील कुछ कर रहे, ना उनमें नाड़ी बची, पल्स बची, और ना ही कोई इच्छा बची, तो ओंठ जो है उनके पीले और शांत हो गए, वे कोई उत्तर नहीं दे रहे, माई कैप्टन डज नॉट आंसर, कोई उत्तर नहीं देते, हिज लिप्स आर पेल, उनके जो ओंठ है वो पेल, पीले पड़ गए हैं, और स्टिल शांत है, माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, और मेरे पिता मेरी भुजा को अनुभव नहीं कर रहे, नहीं करते हैं, ही हैज नो पल्स, और ना ही कोई, अब उनके पास पल्स है, नाड़ी नाड़ी चल रही है, नॉर विल, और ना ही कोई इच्छा है, द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, कि समुद्र जो जहाज है वो एंकर्ड, उसका लंगर लग गया है, एंगर एंकर्ड मतलब होता है सेफ एंड साउंड, कि लंगर लग जाना अर्थात किनारे जहाज का लग जाना, सुरक्षित प्रकार से जहाज वो है किनारे लग गई है, इट्स बोएज क्लोज्ड, इसकी जो यात्रा है समुद्री यात्रा है वो क्लोज्ड, वो पूरी हो गई, एंड डन, खत्म हो गई और पूरी हो गई, डन हो गई, क्लोज्ड खत्म हो गई, बंद हो गई, एंड डन पूरी हो गई, फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वॉन, कि फ्रॉम फियरफुल ट्रिप, उस भयानक यात्रा से, ट्रिप से, द विक्टर शिप, विजयी जहाज कम्स, आ गया है, इन अंदर आ गया है, अर्थात समुद्र के किनारे आ गया है, विद ऑब्जेक्ट बॉर्न, जीते हुए उद्देश्य के साथ, अर्थात जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, और जहाज वापस आ गया है अपनी जगह पर, एक्जल्ट ओ सोर्स, इधर सोर का मतलब किनारा होता है, लेकिन यहां मतलब किनारे पर उपस्थित लोग हैं, एक्जल्ट, खुशियां मनाओ, ओ सोर्स, हे लोगों खुशियां मनाओ, एंड रिंग ओ बेल्स, कि हे घंटियों आप लोग बजो, रिंग करो आप, बट लेकिन आई विथ मॉर्नफुल ट्रीट, लेकिन मैं विद मॉर्नफुल, दुखी, मॉर्नफुल अर्थात दुखी, दुख के, दुख से भरा हुआ, ट्रीट, मैं चलता हूँ, टहलता हूँ, वॉक, ट्रीट अर्थात चलना, वॉक द डेक, मैं वॉक करता हूँ, डेक छत पर, जहाज की छत पर वॉक करता हूँ, माई कैप्टन लाइज, कि जहाँ मेरा कैप्टन पड़ा हुआ है, फॉलन कोल्ड एंड डेड, कि जहां मेरा कैप्टन लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, कोल्ड एंड डेड, ठंडा और मृत। तो इस प्रकार से यह कविता समाप्त होती है, आशा है यह पोयम आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसको लाइक जरूर करें, इस पर वैल्यूएबल कमेंट करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, वे जो हमारे चैनल पर नए हैं वे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें जिससे आगे जो भी हम वीडियो दें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।